रूल नंबर 10, हाय के बाद क्या कहें। जिस प्रकार आपकी पहली झलक सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करनी चाहिए, उसी प्रकार आपके पहले शब्द भी सामने वाले व्यक्ति के कानों को प्रभावित करनी चाहिए। आपका पहले ये शब्द ही तय करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कितना और क्या बात करेगा। आपके यही शब्द ये भी तय करते हैं कि आप उन्हें अंदर ही अंदर क्या कहना चाहते हैं। इस तरह की कम समय की बातों को स्मॉल टॉक कहते हैं। स्मॉल टॉक सुनते ही ये पता चल जाता है कि इसमें बात केवल एक छोटे क्षण के लिए होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कम समय के बाद ये चीज़ आपके बारे में कुछ बता देती है। इससे पहले कि हम बताएं कि खुद को स्मॉल टॉक में बेहतर कैसे बनाएं, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस दुनिया के बुद्धिमान व्यक्तियों को हमेशा से ही स्मॉल टॉक से नफरत रही है। जब लेखिका ने फोर्ब्स के टॉप व्यक्तियों के बारे में जानने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि उनमें से लगभग सभी लोगों को लंबी और गहरी बातें करना पसंद है। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें लोगों के साथ स्मॉल टॉक करना पसंद था। मगर हम आपको बता दें कि स्मॉल टॉक का अर्थ वास्तव में ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से थोड़े समय के लिए बात करें और उसे भूल जाएं, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हम किसी व्यक्ति से शुरुआती समय में बात करके उससे आगे की बातचीत जारी रख सकें। लेखिका जब अपनी किशोरावस्था में थी, तब अपने कॉलेज के बड़े उत्सव में डांस के लिए उन्हें एक पुरुष साथी चाहिए था। वहीं उनके साथ की सभी लड़कियां एक लड़के को डांस के लिए चुन चुकी थी, लेकिन लेखिका के हिचकिचाहट के कारण वो डांस के लिए किसी से भी अपना साथी बनने के लिए नहीं पूछ पाई। धीरे धीरे समारोह का दिन नज़दीक आने लगा, लेकिन लेखिका के साथ डांस करने वाला लड़का कोई नहीं था। आखिरकार उन्होंने समारोह से केवल 3 दिन पहले एक लड़के को फ़ोन किया, जिससे वो 1 साल पहले वो एक कैंप के दौरान मिली थी। फ़ोन करने से पहले ही लेखिका ने अपने दिमाग में सोच रखा था कि उन्हें उस लड़के को डांस के लिए कैसे पूछना है। लड़के के फ़ोन उठाते ही लेखिका ने कहा, हेलो, मेरा नाम लील है, हम पिछली गर्मियों में कैंप के दौरान मिले थे, स्कूल में हो रहे समारोह के लिए क्या तुम मेरे लिए डांस पार्टनर बनोगे? इसके जवाब में उस लड़के ने बड़े उत्सुकता से कहा कि नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी, और सच कहूँ तो मैं भी उस समारोह के लिए किसी डांस पार्टनर की तलाश में था। उस लड़के ने आगे कहा कि लेखिका को शाम को होने वाले समारोह के लिए उनके घर लेने आएगा। इसके बाद उस लड़के ने अपना नाम टोनी बताया। टोनी के साथ लेखिका का मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। टोनी एक बेहद समझदार लड़का निकला, जिसने लेखिका के छोटी छोटी बातों के बारे में पूरा ख्याल रखा। टोनी दरअसल स्मॉल टॉक करने में काफ़ी माहिर था। वो अपनी स्मॉल टॉक की तकनीकों से सामने वाले व्यक्ति को अपने साथ लंबा समय बिताने के लिए मजबूर कर देता था। अब तक हम आपको 9 ज़रूरी तकनीकें बता चुके हैं, जिनसे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे आगे की तकनीकें, और हमारी अगली तकनीक है कि कैसे आप भी स्मॉल टॉक की इन्हीं तकनीकों को सीखकर सामने वाले व्यक्ति को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्मॉल टॉक का मकसद क्या है। दरअसल स्मॉल टॉक के पीछे का कारण ये है कि इससे सामने वाले व्यक्ति को आपके प्रति एक सुरक्षित माहौल पैदा करने में सहायता होती है, जिससे वो व्यक्ति सहज भी महसूस करता है। जब आपके मुँह से पहले शब्द ही ऐसे निकलते हैं कि आपको सुनने वाला खुश हो जाए, तब इस बात की पूरे आसार होते हैं कि वो आपसे आगे भी बात करना चाहेगा। हमारी 10वीं तकनीक यही है कि जब भी आप किसी से बात करें, तो बात करने से पहले एक बार सामने वाले व्यक्ति के मानसिक स्थिति के बारे में एक सामान्य सा अंदाज़ा लगा लें। ऐसा करके आप अपनी स्मॉल टॉक की शुरुआत किसी ऐसे विषय पर कर सकते हैं जिसमें वो काफ़ी रुचि दिखाए। तो इसी के साथ समरी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।